बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक है इंटीजर्स 4.1 इंट्रोडक्शन 4.2 इंटीजर्स 4.3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन 4.4 एब्सोल्यूट एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर 4.5 एडिशन ऑफ इंटीजर्स, 4.6 सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नाउ फर्स्ट इज फोर इंट्रोडक्शन We have studied about natural numbers and whole numbers in earlier chapters. In this chapter, we will extend our number system from whole numbers to integers and discuss the representation of integers on the number line, operations on integers, etc. Now, next 4.2 integers. Corresponding to natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up to infinity, we introduced new numbers denoted by minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, up to infinity called minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, respectively, such that 1 plus minus 1 is equal to 0, 2 plus minus 2 is equal to 0, 3 plus minus 3 is equal to 0, 4 plus minus 4 is equal to 0, 5 plus minus 5 is equal to 0, 6 plus minus 6 is equal to 0, and so on. Here, minus 1 is called negative 1 or minus 1. 1 and minus 1 are called opposite of each other. Similarly, 2 and minus 2 are called opposite of each other, and so on. Thus, our new collection together विद होल नंबर्स बिकम्स माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आई और जेड अब इसने क्या कहा है कि हमारे नेचुरल नंबर्स यहां पे हमारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे हमारे ये नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स हैं और उसके साथ हमने क्या किया जीरो को भी इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है तो ये सारे मिलकर नेगेटिव नंबर्स होल एंड नेचुरल सारे मिलकर क्या बने हमारे इंटीजर्स जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे और और से दोनों तरफ देखो आप देख रहे हैं डोट लगी है इस तरह से दैट मीन्स इनफाइनाइटली ये दोनों साइड क्या हो रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं हियर द नंबर्स वन टू थ्री आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे जीरो से किस साइड है राइट साइड में है जीरो से हमारे राइट साइड में है वो हमारे पॉजिटिव जीरो से लेफ्ट साइड में है वो हमारे नेगेटिव माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। द नंबर जीरो इज एन इंटीजर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव जो जीरो है हमारा वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है नोट दैट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज वन बट द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड काउंटिंग है कितनी भी एंडलेस आप बढ़ा सकते हैं द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज माइनस वन लार्जेस्ट सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या है माइनस वन सबसे छोटा हम मीन्स जीरो से माइनस साइड में जितनी ज्यादा दूर आप जाएंगे वो नंबर्स क्या होते जाएंगे जीरो से छोटे राइट right? तो हमारा आज तक स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं फाइंड आउट हो चुका है now next topic is 4.2.1 uses of integers in our daily life we come across many statements which are opposite to each other to express them in mathematical terms integers are used for example first dekho profits are represented by positive integers and losses are represented by negative integers for example a profit of rupees 500 is represented by plus rupees 500 or rupees 500 and loss of rupees 500 is represented by minus rupees 500 second height above sea level are represented by positive integers and depth बिलो सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव इंटीजर एग्जाम्पल फाइव किलोमीटर अब लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाई प्लस फाइव किलोमीटर और फाइव किलोमीटर और फाइव किलोमीटर क्यों है क्योंकि प्लस का साइन लगाना अगर कोई भी साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है वहां पर पॉजिटिव है वो एंड फाइव किलोमीटर बिलो सी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस फाइव किलोमीटर लेकिन माइनस का साइन हमें लगाना जरूरी है माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट थर्ड temperatures above freezing point 0 tamara freezing point are represented by positive integers and below freezing point are represented by negative integer for example 25 degrees celsius above the freezing point of water is represented by plus 25 degrees celsius or 25 degrees celsius and 25 degree Celsius below the freezing point of water is represented by minus 25 degree Celsius. Now, next topic is 4.3 representation of integers on the number line. The number line representing the integers is as given below.

नेगेटिव इंटीजर्स तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो मिलाकर हमारा टोटल क्या बन गए ये सारे हमारे बन गए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन द पॉजिटिव इंटीजर्स आर शोन ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो जीरो के राइट right साइड में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप टू एंडलेस ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड द नेगेटिव इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो हमारी जीरो है जीरो के लेफ्ट साइड में हमारे सारे क्या हैं नेगेटिव इंटीजर नाउ सेकेंड पॉइंट द अपोजिट इंटीजर वन एंड माइनस वन आर मार्क्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो मैंने आपको बताया नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हम डालेंगे वो सेम डिस्टेंस पे चाहे पॉजिटिव डाले चाहे हम नेगेटिव डाले तो वन और माइनस वन के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जीरो सो आर टू एंड माइनस टू थ्री एंड माइनस थ्री एंड सो ऑन थर्ड पॉइंट द एरोज मार्क एट बोथ द एंड नंबर लाइन रिप्रेजेंट दैट द इंटीजर बोथ पॉजिटिव एंडटिव आर इनफाइना साइन है दैट मीन एंडलेस आप कितना भी इनको आगे बढ़ा सकते हैं नॉ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर पॉइंट थ्री पॉइंट वन ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इन द प्रीवियस चैप्टर वी फोलोड ए कन्वेंशन दैट every whole number on the right of a number on the number line is regarded as greater than every whole number to its left for integers also we follow the same convention that the number on the right is greater than the number on the left and the number on the left is smaller than the number on the right Ki kisi bhi number ke right side jo number hoga उस नंबर से बड़ा होगा और किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो गिवन नंबर के छोटा होगा फॉर एग्जाम्पल फाइव इज ग्रेटर देन फोर सिंस फाइव इज ऑन द राइट ऑफ फोर वन इज ग्रेटर देन जीरो सिंस वन इज ऑन द राइट ऑफ जीरो जीरो इज ग्रेटर देन माइनस वन सिंस जीरो इज ऑन द राइट साइड ऑफ माइनस वन माइनस थ्री इज स्मॉलर देन माइनस टू सिंस माइनस थ्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माइनस टू नोट दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है कोई भी जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होती है और नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है नेक्स्ट इज द ग्रेटर द नंबर लेसर इज इट्स अपोजिट अभी हमने देखा वन का अपोजिट माइनस वन टू का अपोजिट माइनस टू तो इसने कहा है जितना बड़ा नंबर उसका अपोजिट उतना ही उससे छोटा मान लो 600 है 600 का अपोजिट क्या है माइनस सिक्स तो उसका अपोजिट उतना ही क्या होगा छोटा होगा एग्जाम्पल से देखते हैं लाई बिटवीन माइनस नाइन एंड माइनस टू विच इज द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मोलेस्ट नंबर अमंग दैम सोल्यूशन देखते हैं इसका हम नंबर्स लाई बिटवीन माइनस नाइन एंड माइनस टू तो माइनस नाइन और माइनस टू के बीच का नंबर अगर हम नंबर लाइन पे देखे तो हमारा क्या होगा ये हमारा जीरो है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स सेवन एंड माइनस एट एंड यहाँ पे माइनस नाइन अब हमें बताना है माइनस नाइन और माइनस टू के बीच के नंबर तो माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर एंड माइनस थ्री ये सारे हमारे क्या हैं बिटवीन द नंबर्स। तो नंबर लाई बिटवीन माइनस नाइन एंड माइनस टू आर माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री अमंग दीज माइनस थ्री इज द लार्जेस्ट नंबर एंड माइनस एट इज द स्मॉलेस्ट नंबर क्यों क्योंकि जीरो से जब हम लेफ्ट की साइड जाएंगे तो वैल्यूज क्या होती जाएंगी कम नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यूज क्या होती जाएंगी कम तो सबसे बड़ा हमारा जो नेगेटिव इंटीजर है वो क्या है माइनस वन उसके आगे सारे क्या है नेक्स्ट नंबर जैसे ही हम किसी भी नंबर के लेफ्ट वाला नंबर उससे क्या होता है छोटा होता है तो माइनस क्या है सबसे बड़ा और माइनस एट क्या है सबसे छोटा इनके बीच में जो हम ये हमने बिटवीन द नंबर्स निकाले हैं माइनस थ्री इज द लार्जेस्ट नंबर और उसके बाद माइनस एट क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में है वो क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर एग्जांपल फिल द बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन ए पार्ट सोल्यूशन देखते हैं इसका हम ए पार्ट में क्या है जीरो एंड माइनस फाइव जीरो जीरो से हमारा लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड के जितने नंबर है वो क्या रहेंगे जीरो हमारा क्या है नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में है तो नेगेटिव इंटीजर सारे इससे क्या होते हैं छोटे होते हैं तो जीरो बड़ा है और माइनस फाइव क्या है छोटा है तो इसमें जीरो इज ग्रेटर देन माइनस फाइव नेक्स्ट बी पार्ट क्या है माइनस एट एंड माइनस थ्री नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में जो नंबर आते हैं वो छोटे होते हैं और राइट right साइड में जो नंबर आते हैं वो बड़े होते हैं तो माइनस एट क्या होगा माइनस थ्री के लेफ्ट साइड में है तो माइनस एट इज लेस देन माइनस थ्री नेक्स्ट सी इज माइनस हंड्रेड एंड माइनस फोर मैंने आपको क्या बताया माइनस फोर जीरो के बाद माइनस फोर हंड्रेड तो क्या जाएगा और ज्यादा लेफ्ट साइड में चला जाएगा जितना ज्यादा लेफ्ट साइड में जाएगा नंबर उतना ही क्या होता जाएगा छोटा तो माइनस हंड्रेड क्या है छोटा है माइनस फोर से तो माइनस हंड्रेड इज लेस देन माइनस फोर नाउ नेक्स्ट टेन एंड माइनस सेवेंटी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है तो यहाँ पे तो टेन इज ग्रेटर देन माइनस सेवेंटी नाउ नेक्स्ट एट एंड जीरो अब दोनों हो पॉजिटिव हैं जीरो है और एट है तो जीरो तो हमारा क्या है लेफ्ट साइड में है जीरो के राइट right साइड में क्या है एट है पॉजिटिव है तो राइट right साइड के सारे नंबर क्या होते हैं बड़े तो एट हमारा क्या है बड़ा है तो एट इज ग्रेटर देन जीरो नेक्स्ट एफ पार्ट क्या है माइनस टू एंड फिफ्टी वन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है तो फिफ्टी वन हमारा बड़ा है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस टू इज लेस देन फिफ्टी वन नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ए पार्ट सोल्यूशन देखते हैं इसका हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स इज अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या पहले सबसे छोटा अब देखो सारे इंटीजर्स हैं सारे इंटीजर्स हैं और जीरो है तो जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव वो सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ा नंबर हमारा थर्टी है लेकिन वो नेगेटिव है तो दैट मीनस वो सबसे छोटा नंबर है राइट right? तो सबसे छोटा हमारा कितना हुआ माइनस थर्टी उसके बाद क्या है माइनस टेन क्योंकि माइनस फाइव बड़ा है माइनस टेन से तो माइनस टेन माइनस फाइव माइनस टू एंड लास्ट में जीरो क्योंकि जीरो इन सबसे नेगेटिव इंटीजर से क्या है बड़ी है सबके किस किस साइड आती है राइट साइड नाउ बी पार्ट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स इज अब मैंने आपको बताया जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो तो छोटे ही होते हैं पॉजिटिव को अलग रखो जीरो को अलग रखो नेगेटिव में हमारा क्या है थर्टी फाइव एंड सेवेंटी तो सेवेंटी क्या है थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव के माइनस सेवेंटी क्या आता है लेफ्ट साइड तो माइनस सेवेंटी छोटा है then minus 35, okay? उसके बाद जीरो, और पॉजिटिव इंटीजर तो जो जैसा दिख रहा है बड़ा बड़ा है और छोटा छोटा ट्वेंटी फाइव क्या है छोटा है सेवेंटी क्या है बड़ा है तो ट्वेंटी फाइव एंड सेवेंटी राइट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ए पार्ट वी आर एट माइनस फोर ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट माइनस नाइन हम नंबर लाइन पे माइनस फोर पे हैं हमें माइनस नाइन पे जाना है तो किस डायरेक्शन में जाएंगे और कितने स्टेप्स हम लेंगे जीरो के बाद माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर जीरो के बाद नेगेटिवीजर हमारे लेफ्ट साइड में जाते हैं तो पहले माइनस फोर आएगा माइनस नाइन बाद में आएगा तो ऑब्वियसली हम किस डायरेक्शन में जाएंगे लेफ्ट साइड जाएंगे कितने स्टेप्स फोर के बाद देख लेते हैं नंबर लाइन पे तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम ये हमने क्या बनाई नंबर लाइन बनाई जीरो से राइट right साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हम कहां पे हैं माइनस फोर पे तो हमें किस साइड आना है लेफ्ट साइड हमें किस साइड आना है जीरो से लेफ्ट साइड आना है कितने स्टेप्स फोर से फाइव फाइव से सिक्स सिक्स से सेवन सेवन से एट एट से नाइन तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्टेप्स क्लियरली टू रीच एट माइनस नाइन वी विल हैव टू मूव फाइव स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फोर नाउ बी पार्ट ऑन विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फाइव स्टेप्स टू द राइट ऑफ माइनस फाइव हम किस नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम फाइव स्टेप्स लें राइट साइड में कहा से माइनस फाइव से सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम अभी हम कहां कहा माइनस फाइव पे हमने नंबर लाइन बनाई जीरो से फाइव पॉजिटिव इंटीजर फाइव नेगेटिव इंटीजर राइट नाउ हम कहा हैं माइनस फाइव पे हमें कितने स्टेप्स जाने हैं फाइव स्टेप्स तो माइनस फाइव से माइनस फोर वन स्टेप माइनस फोर से माइनस थ्री सेकेंड माइनस टू पे थर्ड माइनस वन पे कौन सा फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप पे हम कहा पहुंचे जीरो पे पहुंच गए तो क्लियरली वी रीच एट जीरो वेन वी मूव फाइव स्टेप्स टू द राइट ऑफ माइनस फाइव नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर पॉइंट फोर एबसेल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन साइन रिगार्डलिस प्लस है माइनस है मैटर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा एबसेल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री रिटर्न एज दो इस तरह से हम ये हमारा साइन है क्या है ये हमारा साइन है एब्सल्यूट वैल्यू का क्या ऐसे और ऐसे इसके बीच में क्या लिखा है थ्री तो इसके साथ जो भी साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव उसको हम क्या करते, है? उसको क्या करते, है? करते हैं और सिर्फ न्यूमेर सेवन रिटर्न एज इसको कैसे लिखेंगे इस तरह से लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है हम साइन को निग्लेक्ट करेंगे इग्नोर करेंगे ठीक है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी only 7 now next absolute value of zero written as absolute ke sign mein likhenge that is zero to ye hamari sari kya hai inki absolute value jisme hum sign ko consider nahi karte Thus we conclude that the absolute value of an integer is zero in case of zero and positive otherwise zero है तो zero रहेगी otherwise सारे numbers क्या रहेंगे positive example से देखते हैं इसको हम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए पार्ट है माइनस फोर्टी सोल्यूशन करते हैं इसका हम हमने क्या किया माइनस फोर्टी को एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन में रखा दो स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल्स टू फोर्टी क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो साइन को कंसीडर नहीं करते तो ये हमारी वैल्यू कितनी आई फोर्टी नाउ नेक्स्ट बी पार्ट ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन अब यहां पे इसको पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन में रखेंगे सॉल्व करेंगे 25 में से 16 को माइनस किया कितना बचा हमारा 9. तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई 9. राइट नो नेक्स्ट एग्जांपल. इवेलुएट माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन अब दोनों में क्या है एब्सल्यूट वैल्यू निकालेंगे माइनस फिफ्टीन की कितनी रहेगी फिफ्टीन रहेगी माइनस बीच में ये ऑपरेशन है कि हमें इसको इवेलुएट करना वैल्यू निकालनी है माइनस फिफ्टीन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी फिफ्टीन ही रहेगी फिफ्टीन फिफ्टीन में से फिफ्टीन को माइनस करेंगे कितना बचेगा जीरो कितना बचेगा हमारे पास जीरो बचेगा तो इसी तरह से ये सोल्यूशन किया है यहाँ पे नाउ बी पार्ट भी सेम करेंगे माइनस ट्वेंटी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है उसकी प्लस फोर्टी माइनस ट्वेंटी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली ट्वेंटी तो माइनस ट्वेंटी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी ओनली ट्वेंटी प्लस फोर्टी तो ट्वेंटी प्लस फोर्टी कितना हुआ सिक्सटी ट मींस एब्सिल्यूट वैल्यू में हम साइन को कंसिडर नहीं करते नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दीज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फोल्स फर्स्ट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज जीरो इज इट ट्रू नो स्मोलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज वन तो यह हमारी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स तो इसी तरह से बाकी की स्टेटमेंट्स भी आप पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉइंट फाइव एडिशन ऑफ इंटीजर्स फोर पॉइंट एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन इन ऑर्डर टू एड टू इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन we follow the following steps step 1 draw a number line and mark integers on it now step 2 start from the point representing the first integer on the number line now step 3 move as many steps as the nature of second integer a move to the right of first इफ द सेकेंड इंटीजर इज पॉजिटिव अगर हमारा सेकेंड इंटीजर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में मूव करेंगे बी मूव टू द लेफ्ट ऑफ़ फर्स्ट इफ द सेकेंड इंटीजर इज नेगेटिव अगर हमारा सेकेंड इंटीजर नेगेटिव है तो हम फर्स्ट इंटीजर के नेगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे नाउ स्टेप फोर द पॉइंट दस वी रीच रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू गिवन इंटीजर जिस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे वो हमारा क्या रहेगा उन दो इंटीजर्स का सम एग्जांपल से देखते हैं इसको हम एड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए पार्ट माइनस सिक्स एंड फोर सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम टू एड माइनस सिक्स एंड फोर फर्स्ट लोकेट माइनस सिक्स ऑन द नंबर लाइन देन मूव फोर स्टेप्स टू द राइट ऑफ माइनस सिक्स एज फोर इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रो करेंगे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की यहाँ पे बीच में जीरो सेवन स्टेप्स इधर और सेवन इंटीजर्स हमारे इधर एक साइड जीरो के राइट साइड पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स को हमने लोकेट किया यहाँ पे हमें उसमें क्या ऐड करना है फोर पॉजिटिव फोर तो हमने क्या कहा था अगर सेकंड जो नंबर है वो क्या है पॉजिटिव नंबर है तो हम राइट साइड मूव करेंगे जितने स्टेप्स हैं उसके राइट साइड मूव करेंगे तो सिक्स से हमें हमें क्या ऐड करना है फोर को ऐड करना है तो फोर स्टेप्स हम किस साइड लेंगे राइट right साइड लेंगे तो सिक्स से हम फर्स्ट स्टेप में पहुंचे फाइव देन माइनस फोर देन माइनस थ्री देन माइनस तो हम जब हमने माइनस में फोर को ऐड किया तो हम कहाँ पहुंचे माइनस पे पहुंचे दस माइनस सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस टू तो हम किस पे पहुंचे माइनस टू पे तो हमारा आंसर क्या रहा दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर रहेगा माइनस सोल्यूशन है? देखते हैं इसका हम टू एड माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स फर्स्ट लोकेट माइनस फाइव ऑन द नंबर लाइन सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर को लोकेट करेंगे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा माइनस फाइव नंबर लाइन पे हमने माइनस फाइव को लोकेट किया उसमें ऐड कितना करना है माइनस सिक्स हमारा क्या है जो ऐड करना है जो इंटीजर वो हमारा माइनस में है तो माइनस में है तो हम किस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड जाएंगे तो देन मूव सिक्स स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फाइव एज माइनस सिक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर हम कहाँ हैं अभी माइनस फाइव पे हमें क्या ऐड करना है माइनस सिक्स नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस फाइव के हम किस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड कितने स्टेप्स? सिक्स स्टेप्स जब हम सिक्स स्टेप्स गए तो हम कहाँ पहुँचे? माइनस इलेवन पे दस माइनस फाइव प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस इलेवन तो जब हमने माइनस फाइव में माइनस सिक्स को ऐड किया तो हम कहाँ पहुँचे? माइनस इलेवन पे नाउ नेक्स्ट इज फोर पॉइंट फाइव पॉइंट टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन

सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर देंगे और जो कॉमन साइन है वो पुट कर देंगे अगर दोनों सेम साइन के हैं दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे पहले और उसके बाद जो दोनों में कॉमन साइन है अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस में और दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस नाउ रूल टू टू ऐड टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन अनलाइक मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज हम क्या करेंगे उनके साइन को ना देखते हुए साइन को इग्नोर करते हुए उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे डिफरेंस मीन्स उनको माइनस कर देंगे बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट और दोनों में से जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसी का साइन हम पुट कर देंगे अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का कर देंगे और अगर माइनस मींस नेगेटिव इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा पहले हम दोनों को क्या करेंगे साइन को ना देखते हुए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे एग्जांपल से देखते हैं इसको हम एड फर्स्ट ए पार्ट प्लस 162 एंड प्लस 112. अब हमने देखा दोनों क्या है पॉजिटिव है सेम किसके हैं सेम इंटीजर्स हैं दोनों पॉजिटिव तो हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम यूजिंग द रूल फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद लाइक साइंस वी गेट 162 हंड्रेड प्लस वन दोनों क्या है सेम साइन के हैं दोनों को हम प्लस कर देंगे और प्लस का साइन आ जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 274 हंड्रेड सेवेंटी फोर नाउ बी पार्ट बी पार्ट में भी क्या है दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हम साइन को ना देखते हुए हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे राइट और ऐड करने के बाद क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस में ही इनका आंसर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा ये माइनस थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस फोर्टीन हंड्रेड थर्टी टू इज इक्वल टू माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एटी फाइव हमने क्या किया क्योंकि इंटीजर थे।, थे, थे तो हमने दोनों को एड किया और जो दोनों का साइन था वही कॉमन साइन हमने एड करने के बाद पुट कर दिया नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल एड ए पार्ट माइनस थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स प्लस फाइव हंड्रेड अब हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो सेकेंड रूल लगाएंगे सोल्यूशन देखते हैं इसका हम यूजिंग द रूल फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस हम क्या करेंगे हम साइन को नहीं देखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे बड़े में से छोटा माइनस होगा तो हमने थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स में से फाइव हंड्रेड को क्या कर दिया माइनस कर दिया ठीक है हमने क्या किया 3856 में से 500 को क्या किया माइनस कर दिया सिक्स फाइव एट माइनस फाइव इज थ्री एंड थ्री ठीक है ये माइनस का था और ये प्लस का था ये माइनस और एक प्लस का था लेकिन हमने इनको क्या किया इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इनको हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा डिफरेंस कितना आया 3356 अब हम देखेंगे जो दोनों नंबर्स हैं उसमें से बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू कौन से इंटीजर की है बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी नेगेटिव इंटीजर की है, किसकी है? की. तो हमारा नेगेटिव आएगा माइनस में आएगा? आएगा, में आएगा तो माइनस थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स प्लस फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू माइनस थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो हमारा यहाँ पे क्या आया ये आंसर माइनस में आया नाउ बी पार्ट देखो बी पार्ट में क्या है माइनस 112 हंड्रेड प्लस फोर्टीन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेकंड रूल यूज होगा अनलाइक साइंस है तो हम क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे बड़े में से छोटे को इन वाले साइन को हम क्या कर लेते हैं ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये इनके इनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें क्या करना है जब दो अलग अलग फैमिली के हैं तो क्या होगा माइनस करेंगे हम माइनस कर देंगे माइनस करने के बाद आया हमारा थर्टीन अब हम देखेंगे बड़ा कौन है न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा पॉजिटिटिव में आ जाएगा सो माइनस वन हंड्रेड ट्वेल्व प्लस फोर्टीन हंड्रेड सेवेंटी इज इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी एट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड द सम ऑफ ए पार्ट जब हमारे दो साइन होते हैं माइनस में होते हैं हम उसको हम अंडर ब्रैकेट रखते हैं राइट अंडर ब्रैकेट माइनस एट प्लस फोर प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं लेट लेटेस्ट रीअरेंज द नंबर सो दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नेगेटिव इंटीजर्स आर ग्रुप टुगेदर हम इनको अरेंज करेंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ तो हमारा जो ये नंबर है पूरा इस तरह से इसमें हम नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव माइनस एट और माइनस दोनों नेगेटिव इंटीजर उनको हमने एक साथ एक ब्रैकेट में रखा प्लस 4 और ट्वेल्व हमारे पॉजिटिव है उनको एक साथ एक ब्रैकेट में रखा अब क्योंकि देखो दोनों नेगेटिव इंटीजर है एड हो जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा एट प्लस फिफ्टीन कितना माइनस ट्वेंटी थ्री और ये कितना फोर प्लस ट्वेल्व कितना हुआ सिक्सटीन हुआ अब रूल लग जाएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अब हम साइन को ना देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो 23 में से 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 हमारा आंसर कितना आया 7 अब हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है नेगेटिव इंटीजर की 23 बड़ा है और 23 क्या है नेगेटिव इंटीजर है तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस सेवन समझ आया कि जब हमारे अलग अलग साइन है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम साइन को छोड़ के हम पहले उनको माइनस कर लेंगे और फिर देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव की बड़ी है या नेगेटिव इंटीजर की यहां पे हमारे नेगेटिव इंटीजर की बड़ी है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा नाउ बी पार्ट थर्टी प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस ट माइनस सिक्स फिफ्टी फाइव इसको भी हम सेम क्या करेंगे अरेंज करेंगे सॉल्यूशन देखते हैं इसका पे भी हम इनका group बना लेंगे negative को को के के साथ positive को positive के साथ ये हमारी statement है है हमारा क्या कितना हुआ एटी फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस सिक्सटी थ्री दोनों को ऐड कर देंगे माइनस का साइन आ जाएगा माइनस एटी सिक्स अंडर ब्रैकेट ही रखेंगे अब क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर एटी फाइव एक नेगेटिव इंटीजर माइनस एटी सिक्स एटी सिक्स में एट्टी फाइव को माइनस करो कितना बचेगा वन अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव की बड़ी है नेगेटिव की नेगेटिव की बड़ी है एटी सिक्स बड़ा है और माइनस का है तो आंसर किस में आ जाएगा माइनस वन में आ जाएगा माइनस वन नौ Next topic 4.5.3 Additive inverse. If integers having unlike signs but same numerical values are added, their sum is always 0 and they are called additive inverse of each other. If integers have unlike sign means a positive or a negative, but numerical values same, hai, minus 5 plus 5, minus 7 plus 7. देर सम इज ऑलवेज जीरो तो उन दोनों का सम अगर हम निकालेंगे तो वह हमेशा क्या रहेगा जीरो एंड दे आर कोल्ड ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर फॉर एग्जाम्पल एट प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस एट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है बट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है सेम तो आंसर क्या रहा हमारा जीरो दस 8 is the additive inverse of -8 and -8 is the additive inverse of 8 now next is 4.5.4 .4, successor and predecessor every integer has a successor and a predecessor the successor of an integer can be obtained by adding 1 to it and the predecessor of an integer can be obtained by subtracting 1 from it if ए बी इंटीजर देन ए प्लस वन इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ ए एंड ए माइनस वन इज कॉल्ड द प्री डिसीजर ऑफ ए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स फर्स्ट है हमारा नाइनटीन फर्स्ट क्या है हमारा नाइनटीन सेकेंड है हमारा माइनस एटीन एंड सी पार्ट हमारा माइनस सेवेंटी सोल्यूशन देखते हैं इसका हम ए पार्ट द सक्सेसर ऑफ नाइनटीन सक्सेसर मींस प्लस इज़ इक्वल टू ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड बी पार्ट माइनस एटीन इज इक्वल टू माइनस एटीन प्लस वन सक्सेसर का मतलब प्लस वन प्लस वन करेंगे तो वो जीरो की साइड जाएगा अपने राइट साइड में बड़ा नंबर राइट नेक्स्ट क्या होगा तो वो होगा हमारा माइनस क्या होगा हमारा माइनस 17, क्योंकि, है. है, तो क्योंकि राइट साइड में, right में, right में होता है और प्लस +1 करेंगे तो कहा जाएंगे राइट right साइड में जाएंगे तो कितना आएगा माइनस सेवनटीन इन द सेम वे सी पार्ट सक्सेसर ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस वन प्लस वन करेंगे तो क्या जाएंगे राइट right साइड में राइट right साइड में क्या रहेगा माइनस सिक्सटी नाइन तो इसका क्या रहेगा सक्सेसर हमारा माइनस सिक्सटी नाइन नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड द प्री डिसीजर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ए इज माइनस फोर्टी वन बी इज फोर्टी सिक्स सी इज ट्वेंटी एट सोल्यूशन देखते हैं इसका हम ए पार्ट द प्री डिसीजर ऑफ माइनस फोर्टी वन प्री डिसीजर का मतलब छोटा वन बिफोर माइनस फोर्टी वन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू क्योंकि हम कहाँ जाएंगे बैक साइड वाला लेना है प्री मतलब पहला तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो फोर्टी वन के बाद माइनस फोर्टी वन के बाद क्या आएगा माइनस फोर्टी टू तो माइनस फोर्टी वन का प्री डिसीजर रहेगा माइनस फोर्टी टू नाउ बी पार्ट द प्री डिसीजर ऑफ फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स माइनस वन तो बैक साइड में जाएंगे फोर्टी सिक्स से पहले क्या होता है पॉजिटिव है तो फोर्टी फाइव Now, see part the predecessor of 28 is equal to 28 minus 1 is equal to 27. Now, next is try this. Write t for true and f for false. First is the sum of an integer and its opposite is always 0. Yes, when we say what is the sum of an integer and its opposite. जैसे अभी हमने किया था एट एंड माइनस एट क्या रहेगा हमेशा जीरो तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है ट्रू तो इसी तरह से ये बाकी स्टेटमेंट्स भी आप पढ़ेंगे और देखेंगे ट्रू एंड फोर्स और एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर पॉइंट सिक्स ऑफ इंटीजर्स फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट वन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन सिंस सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन सो इट इज पॉसिबल टू कंसीडर सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन फॉर एग्जांपल, सब्ट्रैक्टिंग थ्री फ्रॉम फाइव इज द सेम एज फाइंडिंग ए नंबर विच वैन एडिड टू थ्री गिव्स फाइव दैट इज थ्री में हम क्या एड करें कि फाइव आ जाए क्या आएगा टू टू ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे हमारा तो हमारा टू क्या है तो थ्री और फाइव का डिफरेंस क्या हो जाएगा टू क्लियरली द आंसर इज टू वी थिंक एग्जैक्टली द सेम वाइल सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स सब्ट्रैक्टिंग माइनस फाइव फ्रॉम सेवन मीन्स फाइंडिंग एन इंटीजर व्हिच व्हेन एडिड टू माइनस फाइव गिव सेवन जब हमें डिफरेंस निकालना है सेप्रेक्ट करना है माइनस फाइव को सेवन में से तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम माइनस फाइव में कौन सा इंटीजर ऐड करें कि हम किस पे पहुंचे सेवन पे पहुंचे तो हमारे पास आ गया माइनस फाइव में हमें ऐड करना है तो हमें पॉजिटिव सेवन पे पहुंचना पड़ेगा तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा क्या ऐड करना पड़ेगा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करना पड़ेगा जो माइनस फाइव करने के बाद माइनस फाइव को उसमें से माइनस करने के बाद प्लस सेवन पे पहुंचे तो हमारा नंबर क्या रहेगा ट्वेल्व क्या रहेगा हमारा नंबर ट्वेल्व रहेगा यहाँ पे कैसे रहेगा देखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच सेवन यहाँ पे हमारे पास क्या हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की हमारे पास क्या है माइनस फाइव माइनस फाइव को माइनस करना है किसमें से किसी ऐसे नंबर में से कि हम कहाँ पहुंचे सेवन किस पे पहुंचे हमारा सेवन या माइनस फाइव को हमें सब्टैक्ट करना है किस में से सेवन में से तो देखो माइनस फाइव है हमें कहाँ पहुंचना है सेवन पे पहुंचना है तो माइनस फाइव में से माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर हम किस पे पहुंचे यहाँ पे सेवन पे कितने स्टेप्स लिए हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो हम कहाँ कितने जंप लिए कितने मूव्स लिए हमने ट्वेल्व वी सी दैट वी मूव 12 12 5 5 7. 7. दोनों क्या है अनलाइक है हमें क्या करना था माइनस 5 को 7 में से सबट्रैक्ट करना था तो 7 माइनस माइनस 5. 7 माइनस और किसको माइनस करना है माइनस 5 को अब दोनों नंबर्स क्या है माइनस माइनस प्लस तो हमारा सेवन प्लस फाइव कितना आ जाएगा ट्वेल्व राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट टू सब्ट्रेक्शन ऑफ इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन इन ऑर्डर टू सब्ट्रेक्ट टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग नंबर लाइन वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बींग सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम अदर इंटीजर इसने क्या कहा है हमें सब्ट करना है बी फ्रॉम ए तो हम क्या करेंगे चेंज द साइन ऑफ बी जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है बी फ्रॉम ए है तो बी का साइन चेंज करो और ए में एड कर दो कैसे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी इसने क्या किया हमें ए में से बी को माइनस करना है हमें ए में से बी को माइनस करना है यही बोला है ना बी फ्रॉम ए तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हमने क्या किया कि जो बी है उसका साइन चेंज कर दिया सेप्टेक्ट द सम ऑफ 139 एंड माइनस वन फ्रॉम द सम ऑफ माइनस टू हंड्रेड सेवेंटी टू एंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स पहले हम क्या करेंगे इनका सम निकालेंगे इन दोनों का सम और इनका सम ठीक है सम निकालने के लिए सेम सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे 139 प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 157 सेकंड रूल लगेगा हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है हम साइन को ना देखते हुए माइनस करेंगे 157 में से 139 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 18 अब बड़ा नंबर क्या है नेगेटिव इंटीजर है 157 तो हमारा माइनस आ जाएगा इन द सेम वे -272 प्लस 136 दोनों क्या है अलग-अलग इंटीजर्स हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन को ना देखते हुए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 272 में से 136 को माइनस किया तो बचा हमारा 136 क्योंकि बड़ा इंटीजर हमारा माइनस का है इसलिए किस में आ जाएगा minus -136 आ गया क्या आ गया minus -136 अब हमें क्या निकालना है सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस इनके सम को सेपरेट करना है लास्ट वाले दोनों के सम में से तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस वन में से माइनस करेंगे माइनस एटीन को तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे माइनस वन प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 18 माइनस एटीन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस एटीन तो 100 हंड्रेड माइनस वन प्लस एटीन इज इक्वल टू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है माइनस कर देंगे कितना बचा 118 अब देखेंगे बड़ा किसका है न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है नेगेटिव इंटीजर की माइनस वन तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस वन हंड्रेड एटीन नेक्स्ट इज ट्राई दिस फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट माइनस सेवन माइनस क्या वैल्यू पुट करें कि माइनस क्या हो जाए ट्वेल्व हो जाए माइनस क्या हो जाए हमारा ट्वेल्व तो माइनस करेंगे तो माइनस ट्वेल्व करने के लिए क्या करेंगे हम प्लस फाइव कर दें यहां पे ठीक है तो कितना हो जाएगा माइनस सेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक समरी फर्स्ट The numbers minus five, comma, minus four, comma minus three, comma minus two, comma minus one, comma zero, comma one, comma two, comma three, comma four, comma five are integers. Next, zero is an integer which is neither positive nor negative. Next, every positive integer is greater than every negative integer. Next, the greater the number, the lesser is its opposite. Next, the absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. Next, to add two integers of like signs, we add their numerical values and give the common sign to the sum. Next, to add two integers of unlike signs, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड गिव द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू टू द डिफरेंस नेक्स्ट टू इंटीजर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज जीरो नेक्स्ट टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बींग सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम अदर इंटीजर तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया इसकी रिविजन आप खुद कीजिए